तो सियासत से सियासत तक की कहानी कैसे शुरू हुई? मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ये अनसोचा सौभाग्य रहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं मिल सका हूँ, कि माता पिता ने एक समान परिवेश में बड़ा किया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, IAS ऑफिसर थे। जन्म मेरा 31 अक्टूबर 1952 में इलाहाबाद में हुआ। जब आपको पता चला कि भाई मैं तो महाराजा हूँ, तो कैसा अनुभव था? वो परिवार का हूँ उस नाते, अब एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कुछ तो जानने लगता है। तब तक इतिहास में राजाओं महाराजाओं के बारे में भी पढ़ता है, बादशाहों के बारे में भी पढ़ता है। राजनीति में जो आने का जो फैसला था वो कैसा था? हमने सुना था कि राजनीति में आने से पहले या जब आपने फैसला लिया था, कुछ पिताजी ने चिट्ठी लिखी थी आपको। मैं अपने स्वभाव से राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था। डैडी ने लिखा था कि मत आओ राजनीति में। अब मुझे लगता है, अब इन सालों में सोचते हुए मुझे लगता है, उनको दिखा होगा कि आदर्शवादी लड़का है। कई बातों में मैं स्टैंड भी ले लेता था। उस समय पालिका का चुनाव था, लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। आपको लगा हो कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया जिसने आपको बहुत संतुष्टि दी हो? सबसे अगर आप बड़ा कहिए, बड़ा काम में भागीदार बनने का अगर मौका 5 साल में मिला जी, तो वो करोना का। कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, और फिर उसका पूरा मैनेजमेंट लगभग 2 साल जी। ऐसे तो है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम हुए जी, और भी हुए, लेकिन हमारी थी जी। और एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी में अपने जीवन काल में भागीदार बन पाना। कहते हैं ना कि संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग जो विचारों के लोग रहते हैं, अलग अलग चेहरे के लोग रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग विचारधारा के होते हुए भी एक साथ रहना सबसे बड़ी बात इस दुनिया में है। और ऐसे ही हम कई शख्स से आपको मिलवाते रहते हैं हमारे खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में। और आज हम ऐसे चेहरे से हम आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने सियासत से सियासत तक की सफर की जो उन्होंने तय किया है। बात करते हैं सियासत जो पुराने राजा जमाने में जो होती थी, सियासत जो होती थी वो, उसकी हम बात करेंगे। और दूसरी होती है राजनीति की सियासत। तो सियासत से सियासत तक की कहानी कैसे शुरू हुई, आज हम इसको बात करेंगे आपको इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम अंबिका मिश्रा है और आज रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आज हमारे साथ रूबरू होंगे छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री TS सिंहदेव हमारे साथ में हैं। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में जी। सर, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, फेस ऑफ छत्तीसगढ़, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं आप, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनी हुई है, आपकी छवि एक अलग प्रकार से बनी हुई है। लेकिन बाबा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो व्यक्तिगत परिचय है, कहाँ से आप रहे हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, किस कैसे आपके बचपन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम जरा दर्शकों को जानना चाहेंगे। मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ये अनसोचा सौभाग्य रहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं मिल सका, और उनने एक स्थान दिया, स्नेह का स्थान दिया मुझे, और जीवन की सबसे बड़ी पूंजियों में निश्चित रूप से वो है। सौभाग्य रहा, एक संयोग रहा। मेरे माता पिता, जैसा आपने कहा, वो सरगुजा की पूर्व रियासत के उत्तराधिकारी थे। अपने पिता जो महाराज रहे, उनके बड़े लड़के थे उस नाते, फिर भारत सरकार भी तब तक मान्यता देती थी राजाओं का, बकायदा जो महाराज रहे या राजा रहे उनकी मृत्यु उपरांत उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको भारत सरकार से लिखित रिकग्निशन का पत्र आता था कि अब हम आपको स्वीकार करते हैं कि आप जो पुरानी रियासत थी, उदाहरण के लिए सरगुजा, उसके आप महाराज हैं। और ये मुझे भी नहीं मालूम था, पिताजी के देहांत के बाद उनके कागज देख रहा था तो मैंने वो पत्र देखा कि भारत सरकार का एक पत्र फादर के नाम पे कि आपको महाराजा सरगुजा के रूप में भारत सरकार मान्यता देती है और आपके लड़के को राजा के तौर पे, हम लोग के यहाँ युवराज अशुभ मानते थे, युवराज का टाइटल आम तौर पे रहता है, तो उनका देहांत हो जाता था जी। तो युवराज की जगह वो राजा का टाइटल स्वीकार था, तो वो पत्र मैंने देखा। तो एक संवैधानिक मान्यता पुराने राज परिवारों की, राजाओं की थी, जो 1971 में समाप्त हुई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस समय स्टूडेंट था
तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की ही प्रधानमंत्री थी, तो उनकी अगुवाई में गवर्नमेंट ने वो कानून पास किए, शायद एक एक वोट से पास हुआ था। कोर्ट में चल रहा था, शायद अभी भी चल रहा है कि वो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में जैसे दो देशों के बीच में संधि होती है, वो मान्यता राजाओं की संधि, भारत उस समय के डोमिनियन ऑफ इंडिया कहते थे, उनसे हुई थी संधि, पर इंदिरा जी ने उसको बदला। तो वही पृष्ठभूमि है, लेकिन मैं बड़ा हुआ एक सामान्य परिवार में। मेरे माता पिता ने, मम्मी डैडी ने कक्षा 7वीं 8वीं में शायद मैं था, तो एक दिन मैंने पूछा कि क्या हम लोग किसी राज परिवार के हैं, ऐसा राजा टाइप के हैं क्या, तो उनने फिर बताया हाँ। हालांकि बड़े होते थे, देख रहे थे, फिर भी जहन में नहीं था। फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मदर शुरू में गृहिणी ही थी, बाद में वो राजनीति में आई, तो हम लोग को वैसा बड़ा नहीं किया गया था। तो वो भी मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत लकी रहा मैं, सौभाग्यशाली रहा कि माता पिता ने एक सामान्य परिवेश में बड़ा किया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, IAS ऑफिसर थे। जन्म मेरा 31 अक्टूबर 1952 में इलाहाबाद में हुआ। उस समय डैडी वहाँ MA कर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, BA और MA उनने वहाँ से किया। पढ़ाई राजकुमार कॉलेज रायपुर से ही की, 10वीं तक की हुआ करती थी उस समय, और IAS की तैयारी कर रहे थे। 1954 बैच के वो IAS सिलेक्ट हुए थे। मेरा जन्म 52 में हुआ था। तो बस फिर उसके बाद जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, हम लोग उनके साथ रहते थे। पहली पोस्टिंग उनकी अमरावती में हुई, उस समय मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था। 1956 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश बना था। 54 बैच के वो IAS अधिकारी थे, तो SDM बतौर अमरावती में उनकी पोस्टिंग थी। तो वहाँ की कुछ यादें, इलाहाबाद का मुझे स्मरण नहीं है। फिर जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई, अमरावती से जब मध्य प्रदेश बना तो उनकी पोस्टिंग एज SDM जबलपुर में हुई जी। तो जबलपुर की यादें हैं, उनकी मदर मेरी बुआ, दादी को हम लोग बुआ बोलते हैं, ऐसे फूफू को भी हम लोग फूफू को बुआ बोलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ बुआ दादी को बोलते हैं। तो उनने वहाँ घर ले रखा था, वहाँ की पूरी यादें हैं। 59 में उनका देहांत हुआ, फिर डैडी की पोस्टिंग छतरपुर एज कलेक्टर हुई, फिर रतलाम एज कलेक्टर हुई, उसके बाद में भोपाल में सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग हुई। जहाँ जहाँ उनकी जैसी जैसी पोस्टिंग होती रही, वहाँ वहाँ की यादें हैं बच्चे के रूप में। भोपाल में जब आए तो 1960 में बोर्डिंग स्कूल में दाखिला उनने कराया, मदर हिमाचल की हैं थी, और बिशप कॉटन स्कूल करके एक स्कूल है, वहाँ 3री कक्षा से 5वीं कक्षा पढ़ाई करने का मौका मिला था। फिर चाइना वॉर 62 में हुआ तो हम लोग को फिर नीचे बुला लिया, फिर सिंधिया स्कूल में भर्ती हुई। 6वीं से 11वीं तक की पढ़ाई मैंने सिंधिया स्कूल ग्वालियर में की, और फिर BA दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, तो हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री में मैंने BA किया, और MA फिर भोपाल में हमीदिया कॉलेज से, वहाँ से MA किया। तो ये जहाँ जहाँ डैडी मम्मी रहे वहीं रहते थे, और बोर्डिंग स्कूल में 1960 से ही, तो 8 साल की उम्र से बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़े थे। BA भी किया तो बोर्डर के रूप में ही किया, MA फिर घर में आके घर में रह के पढ़े जी। जैसे कि सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो परिवेश, जिस आप परिवेश में पले बढ़े हैं, वो पूरी तरह से कैडर था, मतलब IPS ऑफिसर के साथ में रहना, वो परिवेश मिलना, फिर आप बोर्डिंग स्कूल में रहे, फिर आप स्कूल में पढ़े, जब आपको पता चला कि आप तो महाराजा हैं, तो फिर उस समय आपका अनुभव कैसा था? लाइक जब आप जिस परिवेश में रहे उसके बाद से जब आपको पता चला कि भाई मैं तो महाराजा हूँ, तो कैसा अनुभव था वो? क्या उस टाइम लगा कि अनुभव जो हम जानना चाह रहे हैं? उस परिवार का हूँ उस नाते, अब एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कुछ तो जानने लगता है, तब तक इतिहास में राजाओं महाराजाओं के बारे में भी पढ़ता है, बादशाहों के बारे में भी पढ़ता है, तो वो तो समझ में आया। लेकिन माता पिता को जैसे देख के बड़ा हुआ जी। बहुत ही सामान्य रूप से, कभी भी उनमें कोई वैसा वैभव कि कहीं वो जता रहे हों कि वो कुछ हो, कि हम राजा हैं, हम महाराजा हैं,
हम आईएएस के अधिकारी हैं, हम कलेक्टर हैं, एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी को भी पावर होते हैं। आज के समय में तो जो पावर है वो अधिकारियों के पास है, कुछ मंत्रियों के पास भी हम लोग देखते हैं। तो उनसे मैंने कभी ये कभी देखा ही नहीं कि उनमें कहीं कोई ऐसे अभाव थे कि हम कुछ हैं। एक सामान्य व्यक्ति जैसे रहते हैं, सामान्य नागरिक या सामान्य इंसान जैसे रहता है, वो मैंने हमेशा देखा। तो जब पता भी चला तो मुझे ये नहीं लगा कि कुछ अलग बात है, आप तो वही हो, आपका बैकग्राउंड एक पता चला कि आप राज परिवार के हो, वरना आप तो वही के वही हो। मुझ में तो ऐसा नहीं वो जान के लगा कि मैं किसी तरह से बदल गया। और दूसरे नाते अगर देखिए तो और जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि जो पढ़ते थे, कहानियों में पढ़ते थे, सुनते थे कि राजाओं की जिम्मेदारियां हैं, वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेही आती है, तो वो बात दिमाग में ज़्यादा बैठने लगी कि ये राजा मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग प्राणी हो गए, कि आप अब हवा में हो गए, जवाबदारी इसके साथ है। तो वो बोध मुझे हमेशा रहा, वो एक मन में दिमाग में जो बात रहती थी वो हमेशा रहती थी। और सौभाग्य रहा कि ऐसे माता पिता ने इस तरीके से बड़ा किया कि जिसे कहते हैं दिमाग खराब हो जाता वो मैं लकी रहा कि ऐसी बात कभी नहीं हुई। जैसा कि अभी हमारी चर्चा चल रही थी, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव जी से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनका जो बचपन है किस परिवेश में बीता, फिर जब बड़े हुए तो कैसे आदर्शों के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के पहले क्या क्या बातें हुई थी, हमने उनसे चर्चा की है, आगे भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में भी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे थे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव जी के साथ में, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो राजनीति में आए। और अब हम जानेंगे कि राजनीति में आने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जो उन्होंने किए। जी, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी का जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से किस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और किन परिवेश में इनका जो है पूरा बचपन जो है बीता है, एक चीज़ हम ये भी सुने, जो आपसे मेरी 2-3 बार और बात हुई है, कभी कभी मैं पारिवारिक चीज़ों में भी मैंने आपसे पूछा है, राजनीति में जो आने का जो फैसला था वो कैसा था। हमने सुना था कि राजनीति में आने से पहले या जब आपने फैसला लिया था तो कुछ पिताजी ने चिट्ठी लिखी थी आपको। जी, तो वो चिट्ठी वाली जो कहानी हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे आप। मैं अपने स्वभाव से राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, ये सच्चाई है। मैं कभी बात भी होती थी तो मैं बिल्कुल राजनीति से पूरा परहेज करता था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। जो भी राजनीति जिस स्वरूप में देखते थे मुझे अच्छी नहीं लगती थी। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जब एमए करने के बाद मैं घर के ही अपने ही से कुछ काम करना चाहता था, तो घर आके सर अंबिकापुरी आके मैंने कहा कि वहीं रह के काम करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे। तो मम्मी डैडी का हमेशा सपोर्ट रहता ही था, उनने कभी ये नहीं किया कि ये कहो, ये करो, ये करो, ये पढ़ाई करो, कि हिस्ट्री पढ़ो, कि साइंस पढ़ो, कि डॉक्टर बनो, कि फलाना बनो, उनने कभी भी जीवन में नहीं कहा। और वो पूरी स्वतंत्रता दी कि आप जो करना है चूज करो। और उस स्वतंत्रता में ये मैंने हमेशा बोध किया कि जवाबदारी और ज़्यादा है, ये नहीं है कि छूट हो गई है जी। ये है कि उनने अगर ऐसा कहा है तो और जिम्मेदारी से फैसले लेने। वही वैसे ही मैं बड़ा हुआ। और ये जब मौका ऐसा आया 1983 में अंबिकापुर नगर पालिका के चुनाव होने थे, तो मैं अपनी उसी सोच में था कि नेतागिरी से अपने को बिल्कुल कोई लेना देना नहीं जी। किनारे था ना, मैंने टिकट सिलेक्शन में, पार्षद के सिलेक्शन में कोई रोल लिया, ना मैंने कहीं प्रचार में गया। परिवार कांग्रेस का था और कई पीढ़ियों से था, तो उस नाते जुड़ाव, मैं पार्टी का सदस्य भी नहीं था, मैंने कभी सदस्यता भी नहीं ली थी। उस समय तक तो कांग्रेस आई जब बन रही थी तो ले लिया था।
वहाँ जब परिस्थिति ऐसी आई, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कहीं कहीं मैंने उसको कहा है, ऐसी परिस्थिति बनी कि जिनका नाम आया संभावित अध्यक्ष के लिए, तो मेरे साथ कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए थे। तो मेरे काका यू एस सिंहदेव जी मेरे दादाजी के छोटे भाई के लड़के थे, और वो मम्मी डैडी के साथ, डैडी तो सर्विस में थे तो मम्मी के साथ राजनीति में भाग लेते थे, देखते थे, करते थे सब। तो उनने कहा कि जब वो नाम आया तो उनने कहा कि नहीं, अगर इनको नहीं बनाना है तो आपको बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं काका साहब, किसी और को कर लिया जाए, मैं नहीं बनना चाहता। कि नहीं नहीं, या तो वो बनेंगे या फिर आप। तो वो परिस्थिति थी, मन में उतना मैच्योर नहीं था, कुछ बात चुप गई थी, कुछ ऐसा चीज हुआ था, मुझे बहुत खराब लगा था। मैं अपने आप को थोड़ा सा आइडियलिस्ट मानता था उस समय, और विचारों को लेके चलने की कोशिश करता था। बोर्डिंग स्कूल में हम लोग पढ़े तो सामान्य जीवन से कुछ हटके वातावरण रहता है, आदमी उतना एक्सपोज नहीं होता है समाज में। एकाएक बोर्डिंग स्कूल के बाद, पढ़ने के बाद यहाँ जब आए सरगुजा में रहने लगे, तो दुनिया के बहुत सारे पहलुओं से आदमी वाकिफ हुआ। वरना माता पिता का परिवार, ये परिवार एक सीमित से वातावरण में, एक बंद से कमरे में, एक सीमित दायरे में ही पूरा जीवन चल रहा था। वो बाद में अब महसूस आदमी करता है, दुनिया में जो होता रहता है उससे आदमी दूर था। बोर्डिंग स्कूल में है तो सुबह 5 बजे उठना, पीटी करना, फिर तैयार होना, नाश्ता करना, फिर पढ़ाई का टाइम आ गया, फिर स्कूल जाना, फिर आए, फिर लंच किया, फिर और कोई कार्यक्रम है वो उसमें भाग लिया, फिर स्पोर्ट्स का टाइम आ गया, फिर जाइए, फिर नहाइए, नहा के तैयार होइए, और फिर होमवर्क का टाइम आ गया, इतना में होमवर्क करिए, फिर डिनर लीजिए। उस सुबह 5 बजे से है तो 8-9 बजे तक तो सोने का टाइम हो ही जाता, तो सो ही जाता था। तो ये वातावरण में आदमी बड़ा हुआ था। तो बाकी दुनिया में, वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है उससे आदमी, मैंने अब महसूस करता हूँ कि कम से कम मैं कटा हुआ था, बाकी लोग के लिए तो मैं नहीं कह सका। तो उस वातावरण के बाद में अंबिकापुर आके जब काम चालू किया, जिसे कहते हैं दुनिया में भागीदार, दुनिया के चलनों में, प्रचलनों में भागीदार बनने लगा, तो एकदम ही अलग दुनिया दिखी। बोर्डिंग की दुनिया से एकदम अलग, बोर्डिंग की दुनिया से, आदर्श की दुनिया, बोर्डिंग की दुनिया में स्कूल पास हुआ, कॉलेज में आए तो कुछ किताबें पढ़ी, लोगों के विचार से संपर्क में आए, आदर्श की तरफ मेरा झुकाव आज भी है, पहले ज़्यादा रहता था युवा के रूप में, और थोड़ी कट्टरता आदर्श की तरफ रहा करती थी। उसी वातावरण से जब वास्तविक दुनिया में आए तो स्कूल की दुनिया और आदर्श की दुनिया से बहुत भिन्न दुनिया से परिचय हुआ और उसी के साथ चल रहे थे। दिखने लगा कि ये वास्तविकता है, तो मुझे अंदरूनी सोच में जरूर, अगर जिसे कह सकते हैं कि तकलीफ हुई हो, लेकिन चलने में मुझे तकलीफ नहीं थी। कि मेरा एक स्वभाव है कि चलते चलना है और वो चलते चलने में ये नए नए मुकाम दिखने लगे। स्कूल मेरे लिए एक अलग मुकाम था, परिवार मेरे लिए अलग मुकाम था, जिनसे मिलते थे वो अलग मुकाम था, कॉलेज में गए तो एक और मुकाम था, अब इस दुनिया में आए तो एक और मुकाम है, एक अलग परिवेश से संपर्क में आने का मौका लगा। पर वो चीज़ें लगती थी कि हैं, और आप हो और आपका जीवन है, ये चलता चलेगा, ये चलता चलेगा, और ये वास्तविकताओं को आप नकार नहीं सकते। ये काल्पनिक नहीं है, ये किताब की नहीं है, किसी की कहानी नहीं है, कोई आपको सुना नहीं रहा है, कोई आपको बता नहीं रहा है, कोई आपको समझा नहीं रहा है। आप अपने बुद्धि से, सोच से, आँख से, कान से आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो उसको लेके मैं जहाँ आदर्शवादी था, मैं जिसे कहते हैं रिवोल्यूशनरी कभी नहीं था, क्रांतिकारी नहीं था, मैं परिवर्तन जरूर चाहता था कि अच्छा हो, लेकिन मुझमें वो भाव क्रांति वाला। तो ये कह सकते हैं कि आप परिवर्तनकारी के साथ साथ आप क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन परिवर्तन अच्छे के लिए हो जी। और बहुत जल्दी मैं उसमें
जिसे हार भी कहा जा सकता है कि मैं मान लिया था कि मैं, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि तुम दुनिया बदल नहीं पाओगे, तो मैं बहुत जल्दी उसमें अपने आप को मैंने सीमित कर लिया था कि अपने को जितना बचा के चल सकते हो, क्योंकि दुनिया दिखने लगी जी। कई वाक्य ऐसे हुए छोटे बड़े जिसमें समझ में आ गया कि दुनिया किताबों में लिखी बातों से बहुत अलग, आदर्श से भिन्न है। तो बस अंबिकापुर 1975 में आ गया था, और उसी दरमियान करीब करीब मैं उस समय 23-24 साल का रहा होगा, 23 और 24 साल का जी। तो मैंने वो फैसला कर लिया था अपने मन में कि अपने आप को अब चूज़ किया है कि अपने से काम करना चाहते हो, अब अपने से काम करने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जी। अधिकारियों से मिलना पड़ता है, ऑफिस से जाना पड़ता है, एक टेबल से कई टेबलों तक बातें जाती हैं, उन टेबलों को उनकी सच्चाइयों को देखने का मौका मिला जी। तो अपने से अगर काम करना है तो ये दुनिया है, आप अपने आप को अपने विचारों के हिसाब से ले जाके अपनी मनपसंद की जगह और मनपसंद के तरीके से जी। काम करने की अगर सोचोगे तो ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया का चलन थोड़ा भिन्न है जी। और ये एकदम से जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, मेरे लिए ट्रांसप्लांट था कि मैं किसी और परिवेश में था और मेरा ट्रांसप्लांट एक अलग परिवेश में हो गया। तो मैं कभी उससे लड़ा नहीं, उसी में जीना है, समय के उसी साथ में चलते चलना गए है, परिस्थिति को समझते हुए परिस्थिति के साथ चलना है, और जितना अपने को बचा के अपने विचारों के अनुकूल जितना चल सके उतना चलना है, और विचार लोगों तक भी पहुंचा के अगर कुछ हो सके तो ठीक है। लेकिन बाबा बात अभी भी अधूरी रह गई थी, चिट्ठी में लिखा गया था, डैडी ने लिखा था कि मत आओ राजनीति में। अब मुझे लगता है, अब इन सालों में सोचते हुए मुझे लगता है उनको दिखा होगा कि आदर्शवादी लड़का है जी। कई बातों में मैं स्टैंड भी ले लेता था उस समय जी। अभी भी वही रहा आपका, तो अभी भी आप गलत चीजों पर स्टैंड लेते हैं आप अभी भी। मैं मेरा स्वभाव है कि एक हद तक ठीक है, लेकिन एक हद पे कहीं ना कहीं मैं मेरा स्वभाव शुरू से रहा। तो उनने देखा कि शायद ये फिट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि अलग वातावरण में बड़े हुए, वो भी समझते होंगे कि भाई एक प्रोटेक्टेड वातावरण है, माता पिता मम्मी मिनिस्टर भी रहे, उसमें भी आ गए थे, डैडी से IAS ऑफिसर थे, चीफ सेक्रेटरी के रूप में रिटायर भी किए, जब ये चिट्ठी लिखी उस समय चीफ सेक्रेटरी नहीं थे पर सेक्रेटरी तो थे, IAS अधिकारी थे, पावर रहता है, सारी चीज़ वो देख रहे थे कि ये अपने सोच के हिसाब से राजनीति में टिक नहीं पाएगा जी। मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि और कोई कारण नहीं हो सकता था। तो उनने सुझाव बतौर, बल्कि दो चीज़ें उनने मुझे जीवन में कभी कही और संजोग से मैं दोनों नहीं कर पाया जी। एक उनने कहा था कि लॉ पढ़ो, अब सोचता हूँ कि शायद उनके मन में ये रहा हो कि ज़्यादा विचार वाला है तो लॉ वो पढ़ के या तो वकील बन के सही के लिए लड़ेगा या जज वज बन जाएगा, अपने क्लाइंट के हक के लिए सही, जो सच्चा सही मानता है उसके लिए लड़ेगा, लॉ इसके लिए ठीक होगा। मैं किताबी एनरोल भी किया था अंबिकापुर में, कॉलेज में दाखिला भी लिया, पर लोगों से मिलने जुलने का सुबह से रात तक का सिलसिले में पढ़ नहीं पा रहा था जी। तो मैंने फिर कहा कि ऐसे तो डिग्री लेना मुश्किल है, ठीक नहीं है, डिग्री तो मिल जाती है उस परिस्थिति में जिस दुनिया में आए थे जी। उस दुनिया में डिग्री तो मिल जाती, लेकिन मन नहीं माना कि अच्छे से जब जिस चीज को नहीं कर रहे हो, आदर्श जो है फिर से सामने आए कि अच्छा से जब नहीं कर पा रहे हो तो फिर सिर्फ नाम के लिए डिग्री जी। ये ठीक बात नहीं है, तो मैं उसको भी छोड़ दिया। और ये दूसरी चीज उनने कही थी, तो वो जो चोट लगी थी भावनाओं को जो चोट लगी थी, विचार को जो चोट लगी थी, मैं उससे उस समय तक उभर नहीं पाया था। अब तो शायद समझौते कर लेता जी। लेकिन उस समय मैं कर ही लेता, अगर आज की परिस्थिति में डैडी बोलते तो मैं 100% बात मानता, उस समय नहीं मान पाया। तो बस वो नगर पालिका का चुनाव था, लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, काम किया 5 साल, लोगों ने स्वीकार किया, दिखा भी होगा लोगों को कि काम किस तरीके से करता है, कैसा है, आज की दुनिया के हिसाब से भी उन्हें देखा होगा कि नहीं, मेरे लिए भी वो था
जैसा मैंने बताया कि इस दुनिया में भी चल सकते हैं कि नहीं, तो अच्छा था। फिर 5 साल चुनाव नहीं हुए, पटवा जी जब आए तो उस समय चुनाव नहीं हो पाए थे, फिर 5 साल बाद हुआ तो फिर म्यूनिसिपल में, तब तक तो भंवर में आ ही गए थे, राजनीति के भंवर में आ ही गए थे, और बस आज का दिन है। तो आपने आज हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए आपने अपना खास वक्त दिया है और काफ़ी समय हमें दिया है, तो बाबा आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे साथ में चर्चा की है, आपने मौका दिया मुझे जी, थैंक यू जी। तो जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे केस ऑफ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव जी से, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आदर्श के रास्ते पे चलकर उन्होंने आज तक अपने छात्र जीवन के साथ साथ राजनीति जीवन की उन्होंने शुरुआत की और किस प्रकार से वो चले हैं, और एक चीज कहेंगे कि पूरी दुनिया इन्हें एक बेबाक नेता के रूप में जानती है, जो इनके मन में होता है वो इनके जबान पे होता है, वो चीजें ये कहते हैं। और ये इन्होंने सारी चीजें बताई कि किस प्रकार से ये राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद से कौन से ऐसे काम थे जो इन्होंने किए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो हमेशा इनका एक स्लोगन ये रहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और इस परिवर्तन के साथ यथावत वो निरंतर चलते रहने का एक संदेश इन्होंने जनता को दिया है, अपने दर्शकों को दिया है। और ऐसे ही हमारे और इंटरव्यू में ऐसे खास लोगों के साथ हम अगले हमारे एपिसोड में आप और मिलेंगे, तब तक लिए आप